ये लड़का फूड डिलीवर करने आता है, तभी इस लड़की की नजर इस डिलीवरी बॉय पर पड़ता है। तब ये लड़की कहती है, तू तो कबीर है ना, और ये डिलीवरी बॉय का काम कब से स्टार्ट कर दिया। तब ये लड़का कहता है, पूनम क्या तुम इसे जानती हो। तब ये लड़की कहती है, ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड था, अच्छा हुआ इसे मैंने इसे छोड़ दिया, नहीं तो मैं भी इसके साथ ये डिलीवरी बॉय का काम करती। और ये लड़की कहती है, ये बाइक कहीं से चोरी करके लाया है क्या, क्योंकि तेरी तो औकात नहीं है इतनी महंगी बाइक खरीदने की, क्योंकि ये डिलीवरी का काम करके 5 से 10 हजार रुपए कमा लेता होगा। तब ये लड़का कहता है, पूनम तुम आज भी नहीं बदली लोगों की मजाक उड़ाना, उन्हें उनके कपड़े से जज करना, उनके बारे में बुरा भला बोलना। तभी वहां पर ये आदमी आ जाता है और कहता है, सर आप कबीर सर हो ना सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं। तब ये लड़की कहती है, सर आप इसे दो कौड़ी के डिलीवरी बॉय को सर क्यों बुला रहे हो। तब ये आदमी कहता है, तुम इन्हें नहीं जानती है, ये बहुत बड़े यूट्यूबर है और ये लोगों की बहुत मदद करते हैं। दोस्तों अब आगे इस लड़की के साथ क्या हुआ जानने से पहले, जो भी भक्त महादेव को दिल से मानते हैं वे जरूर से वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद ये लड़की इस आदमी से माफी मांगने लगती है। दोस्तों हमें कभी भी किसी को उसके कपड़े से जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिस दिन उसके हालात बदल गए ना, उसकी औकात बदलने में वक्त नहीं लगेगा। ये लाइन तो आपको पता ही होगी।